वहीं छह सूत्री मांगों के समर्थन में एकीकृत पारा शिक्षकों ने झारखंड के श्रम व नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता का घेराव कर उनको ज्ञापन सौंपा। पारा शिक्षकों ने मंत्री से अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की। वहीं श्रम मंत्री ने पारा शिक्षकों को आश्वासन दिया कि सरकार पारा शिक्षकों के साथ है और जल्दी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि पारा शिक्षक जल्दी होली और दिवाली मनाएंगे। दूसरी ओर पारा शिक्षकों ने धमकी दी है कि अगर सरकार मांगों को गंभीरता से नहीं लेती है तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा, साथ ही मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी किया जाएगा। ऐसे भी परिवार 20% अभी भी हम लोग रेड जोन में हैं। धीरे धीरे हम कोरोना को भी हराएंगे और हम जीतेंगे। और आपका जो मांग है विकास और रोजगार और सरकार शिक्षक शिक्षा जो पुराना डिमांड है, आपका मांग सरकार पूरा करेगी, उसमें कहीं एक और बात नहीं है। क्योंकि लगभग सप्ताह में तो लगभग 2-3 दिन हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ रहते हैं और हमारे उस निविदा कर्मी जो आंदोलन कर रहे हैं रांची में, जिधर रोजगार सेवक हैं, जिधर वो हटा दिया जा रहा है सोशल गति में आउटसोर्सिंग वाला को, सभी पर राज्य सरकार विचार कर रही है कि जो जिनको हमने रोजगार से जोड़ने की बात कर रहे हैं, जो आउटसोर्सिंग के द्वारा बहाली किए गए उनको भी हटाया जा रहा है।